माशाल्लाह से दोस्तों ब्रीड जो है आप देख सकते हैं आ गई है, इस मादी की ब्रीड है ये। और दोस्तों उन दो जोड़ों का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं उन दो जोड़ों का रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। दोस्तों कहानी शुरू होती है इस तोती से। ये तोती मेरे उस्ताद जो है उनके पास थी और इसका पर नहीं काम करता था, उनकी कॉलोनी बड़ी थी तो ये उड़ नहीं सकती, इसको छोटे केज में रखना था, तो उन्होंने मुझे दे दिया इसको। इसके साथ मैंने एक जो है वो बर्ड ला के मेल छोड़ दिया, इसके साथ मैंने एक जोड़ा और छोड़ दिया था, जिसके बाद तोतों की कहानी हमारे यहाँ से शुरू होती है। अभी मैंने इसमें टोटल 1000 रुपये के तो जोड़े छोड़ा था। एक दूसरा जोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को, और माशाल्लाह से इसके जो है बच्चे भी जो है वो निकल गए, 3 बच्चे अभी भी निकले हुए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके बच्चे और इसकी प्रोग्रेस इन दो जोड़ों की आप देखेंगे तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छे लगे वीडियो तो। सही है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए इसका पर टूटा हुआ है और ये इसी तरह से रही है हमेशा। रेड आई फीमेल है और लोग ऐसे परिंदे रखते नहीं हैं, ज़्यादातर हटा देते हैं, किसी को बेच देते हैं या फ्री में दे देते हैं किसी को। मेरा मानना ये है कि इन लोगों को कभी नहीं देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा काम के तोते होते हैं और अल्लाह ने इनके अंदर बहुत ज़्यादा बरकत रखी है, क्योंकि जब आप इनका क्योंकि किसी काम के नहीं है, जब आप इनकी केयर करेंगे तो अल्लाह ताला आप में बरकत देगा आपके काम में। और इनकी बरकत से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने तोते मैंने जो है अभी जमा करे हैं। एक जोड़ा ये था दोस्तों मेरे पास, दूसरा जोड़ा जो था ब्रीडिंग के लिए वो ये था, ये देख सकते हैं आप। एक ये मेल है और इसके साथ ये एक फीमेल मौजूद थी, आप देख सकते हैं इसने माशाल्लाह माशाल्लाह अंडे दिए हैं। और इन दो जोड़ों का कमाल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप देख सकते हैं बजरी के हालात क्या है आजकल, बजरी जो है बिल्कुल मार्केट में ज़मीन पर आ चुके हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे मैंने कम टाइम में बजीज से कितना ज़्यादा जो है वो पेयरिंग निकाली है, कितने ज़्यादा ब्रीड्स निकाली है, जिससे मुझे जो है फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है वो आप लोग खुद बताएंगे वीडियो में कमेंट करके। सही है दोस्तों, तो मैं इसके आपको बच्चे भी निकाल के दिखाऊंगा। अभी देखिए अंदर चली गई, ये बच्चों को हीट देने, मैं आपको इसके बच्चे भी निकाल के दिखाऊँगा और जो है इसके जो है और देख सकते हैं आप, क्योंकि बच्चों के पास जाना लाजमी होता है। सही है, तो मसला नहीं है, मेल निकल गया बाहर उसको पकड़ लेंगे, कॉलोनी में यही फ़ायदा होता है मास्टर केज में कि परिंदा कहीं जाता नहीं है आपका। ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह से दोस्तों ब्रीड जो है आप देख सकते हैं आ गई है, इस मादी की ब्रीड है ये। और आप देख सकते हैं कि ये मादी चूँकि उड़ नहीं सकती, इसका पर ख़राब था जिसकी वजह से सारी स्टोरी शुरू हुई, और इसके बच्चे हैं माशाल्लाह से। और अल्लाह ने ऐसे परिंदों में बहुत बरकत रखी है, याद रखिए कभी कोई परिंदा ऐसा मिले जो का पैर ना हो, जिसका बाजू टूटा हुआ हो, यकीन करें बहुत फ़ायदा पहुँचाता है वो, जैसे कि मुझे भी माशाल्लाह से पहुँचाया है। सही है दोस्तों, तो आप लोगों को शेयर करने का मकसद ये है, ऐसे परिंदों को ज़ाया ना करें, किसी को ऐसी ना दें या उनको ऐसा ना करें कि कोई जानवर ले जाए या मार दें उनको आप, या उनको किसी को दे दें, उसका केयर करें उनकी, तो अल्लाह उसका नेमुल बदल आप लोगों को ज़रूर देता है। आपके सामने माशाल्लाह से अभी भी कंटिन्यू मादी जो है ब्रीड कर रही है। साथ इसकी एक हेल्प और कर दी है मैंने, इसमें एक अंडा भी था जिसके टूटा हुआ था, बच्चा निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने हल्का सा ऊपर से जो इसको क्रश कर दिया, माशाल्लाह से बच्चा बिल्कुल सही है। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये खुद निकल आएगा, मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा अंदर, गीला है क्योंकि अभी निकालूंगा तो इसको नुकसान हो सकता है, अभी मैं इसको बच्चों के साथ रख दूंगा बाकी सारे, तो जो है फीमेल इसको एक्सेप्ट कर लेगी। दोस्तों उन दो जोड़ों का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं उन दो जोड़ों का रिजल्ट, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिए कॉलोनी देख के। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये दो जोड़ों के बच्चे हैं माने या नहीं माने, और ये उन्हीं के बच्चे हैं। हाँ ये था इनके साथ एक आध ब्रीडर नर बड़ा मैंने और छोड़ दिया था बच्चों का, ताकि इनको जो है पता रहे कि किस तरह से ब्रीड करनी है। और माशाल्लाह से पूरी मेरी होम ब्रीड तैयार हुई है, इस वक्त ये तकरीबन 30 पेयर्स से ऊपर है, मैं आप लोगों को दिखाऊं, और एक से बढ़कर एक परिंदा, क्योंकि आपने देखा होगा फीमेल रेड आई है, तो अब जाके मेरे पास जो है उसके बच्चे रेड आई आना शुरू हुए नए नए, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे पास बिल्कुल जो ब्रीड्स आती है और आपके सामने है बिल्कुल आप देख सकते हैं। और तकरीबन जितनी ज़्यादा हांडियाँ लगी हैं इसमें तकरीबन सब में फीमेल्स बैठी हुई हैं, और मेरे तकरीबन आपको पता होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गिलहरी ने जो है जाल को थोड़ा सा काट दिया था, जिसकी वजह से जो है तकरीबन 15-20 पट्टे जो थे मेरे उड़ गए थे। बाकी इसमें ब्रीडर जोड़े रखे हुए हैं, पट्टे में हटा दिए थे वो सारे, तो ब्रीडर जोड़े हैं, और आप यकीन करें ये सिर्फ 2 से 3 जोड़ों की बरकत है सारी। और अगर आप हिसाब भी लगाएं तो अगर आप इनको 25 जोड़े भी आप पकड़ते हैं कि 25 जोड़े हैं ये, तो अगर 500 रुपये का जोड़ा भी आप रखते हैं तो 12,500 रुपये के जोड़े तकरीबन 4 से 5 महीने, 5 महीने भी नहीं बल्कि 3 से 4 महीने मुझे कम्प्लीट हुए हैं इनको रखते हुए, अभी आपके सामने है शौक। सही है, और देख सकते हैं खूबसूरत परिंदे निकल रहे हैं माशाल्लाह से। और बेसिकली ये दोस्तों काम उसका है जिसको शौक होगा, अगर आपको शौक नहीं है परिंदों का तो आप ये काम नहीं कर सकते कभी भी, कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन मुझे बचपन से जानवरों का परिंदों का शौक है, तो मैं जो है
काम करता रहता हूँ। महीने में ये सारे तोते मिलके दोस्तों 150 रुपये किलो दाना है, 5 किलो दाना भी नहीं खाते पूरे महीने में, समझ रहे हैं। 2.5 किलो अगर आप रखें तो 10 से 15 दिन चलता है, तो अगर आप 5 किलो दाना भी रखें 750 रुपये का, 150 रुपये के हिसाब से दाना आता है इनका। ज़्यादा इन पे कोई फॉर्मूले लगते ही नहीं है, अगर कुछ देते तो ये शुक्रिया अदा करके खा लेते, नहीं दे तो को भी कोई बात नहीं, लेकिन देंगे तो अच्छी ब्रीड करेंगे। अगर आप इनको सिरप से लाते रहेंगे मल्टी वाइटामिन का और कैल्शियम का, तो आप ब्रीड आपके पास भी इसी तरह आना शुरू हो जाएगी। मैं बोलता हूँ गिरे हुए दौर में भी बजरी का बिल्कुल गिरा हुआ दौर है ये, और बजरी बिल्कुल जो है मार्केट में सबसे नीचे दर्जे का परिंदा हो गया इस वक्त। सही है, लोगों ने बजरी रखना छोड़ दिया, लेकिन बता रहा हूँ कि आप बताएं कि अगर 750 रुपये महीना खर्च करके अगर आपको 3 से 4 महीनों में प्रॉफिट होता है तकरीबन 8,000-9,000 रुपये का, जिसमें आपको कुछ करना नहीं, आपका शौक भी पूरा हो रहा है। अब ये सोचें कि अब ये सारे ब्रीडर जो पीयर्स मैंने बनाए हैं इतने टाइम में, वो भी ब्रीड करेंगे, जो मेरे पट्टे हैं वो भी ब्रीड करेंगे, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ब्रीड आएगी और क्वान्टिटी इनकी कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो 500 रुपये का पीयर भी जो है वो आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो कोशिश ये करें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और परिंदे रहना चाहते हैं तो छोटे परिंदे से ब्रीडिंग स्टार्ट करवाएं, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। सही है, तकरीबन अभी हर हांडी में जो है बच्चे और अंडे हैं, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सही है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ आया होगा कि अल्लाह ताला बरकत देता है काम में, अगर आप कोशिश करें मेहनत करें थोड़ी सी, और आपके पास भले ज़्यादा पैसे नहीं है, महंगे परिंदे लगाने के पैसे नहीं है, तो 2-3 जोड़े बजीज के ला के डालें और उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके काम में बरकत देगा। सही है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके डिवाइन गोड, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।